हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं। मेरे पास बहुत से कमेंट आ रहे थे कि अभी जो टेम्प्रोरी फ्लाइट चला है, अगर इस टेम्प्रोरी फ्लाइट में जाते हैं तो हमें सामान कितना लेके जाने का मौका मिलेगा, और टेम्प्रोरी फ्लाइट का अभी फेयर क्या चल रहा है, कितना खर्चा होगा जाने में। तो इंडियन एम्बेसी ने कुछ जारी किया है तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने वाला हूं। तो आप लोग मेरे साथ लाइन पे बने रहिए, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, सादरे ब्लॉग यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। बहुत से मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सऊदी अरब दुबई से इंडिया के लिए तो फ्लाइट चालू हो गया, फ्लाइट तो चालू हो गया पर अपने साथ सामान लेकर के कितना जा सकते हैं और लगेज कितना अलाउड है। भाई सऊदी एयरलाइंस या गल्फ एयरलाइंस, एयर इंडिया तो है नहीं जो इस पे कंफर्म होगा कि भाई इतना किलो तक अलाउड है। ये आपके लिए फाइनल एग्जिट वालों के लिए टेम्प्रोरी फ्लाइट गवर्नमेंट ने चालू किया है। आपको लेने के लिए वायुसेना नौसेना आएगा और आपको लेकर के जाएगा। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हो तो फिलअप करने के बाद आपके पास कॉल आएगा या मेल आएगा, उसके बाद वो आपको बताएगा कि आपको किस पॉइंट पे किस ऑफिस पे आना है, आपको कितना अमाउंट जमा करना है। जब आप अमाउंट जमा करेंगे तो जमा करने के बाद आपको टिकट मिलेगा, उस टिकट पे लिखा होगा या वो आपको कंफर्म करेगा कि आप इतना लगेज साथ में लेके जा सकते हो। जो आपका लगेज रह जाएगा उस लगेज को अगर आप सऊदी अरब रियाद में रहते हो तो बथा मार्केट जाकर के उसे कार्गो कर सकते हो। अगर आप रियाद में नहीं रहते हो, सऊदी अरब में किसी भी जगह पे रहते हो, तो आप अपनी जगह पे बहुत सारा वैसे कोरियर का ऑफिस बना हुआ है, आप वहाँ जाकर के सारा सामान कार्गो कर सकते हो और आप बिल्कुल निकल जाओ। आप जब जाते हो तो आपको वैसे भी 15 दिन लगेगा घर पहुँचने में। आप यहाँ से जब इंडिया जाते हो तो इंडिया में क्या है कि दिल्ली मुंबई ऐसी मतलब मेन मेन सिटी पे फ्लाइट लैंड कर रहा है, तो वहाँ आप जब जाते हो तो 14 दिन के लिए आपको क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा, ये कंफर्म है। अगर आपकी स्वास्थ्य अच्छा है तो भी, नहीं अच्छा तो भी आपको 14 दिन के लिए रखा जाएगा। रखने के बाद फिर जा करके अगर वहाँ का ट्रेन चालू हो गया तो ठीक है, अगर चालू नहीं हुआ तो आपको 2-4 दिन और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशल आपके लिए तो भाई किसी भी आप जिस स्टेट से रहते हो वहाँ से तो आपके लिए गाड़ी नहीं आ जाएगा 2-4-5 आदमी के लिए। जब आप अपनी कंट्री पहुँच जाते हो तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद ट्रेन तो चालू हो जाएगा, वैसे 15-20 दिन बाद इंडिया में भी ट्रेन चालू हो जाएगा, तो उस ट्रेन में आप बैठ करके फिर आप अपने घर जाओ। जब घर जाते हो तो जो आपके गांव में वार्ड सदस्य मुखिया समिति है फिर वो इन्फॉर्म करेगा थाने में जो पास का डॉक्टर है उसे, जो आपका एरिया वाइज डिस्पेंसरी होता है उसे, फिर वो आपके पास आएगा, फिर वो आपका चेकअप करेगा। हो सकता है 2 या 3 दिन के लिए आपको ले जाएगा, वो भी अपनी तसल्ली के लिए, क्योंकि स्टेट चेंज हो गया, वो पूरी तसल्ली करेगा फिर जा करके आपको छोड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि और भी भाई मुझे फ़ोन करके पूछ रहे हैं या मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि इस वक्त जो टेम्प्रोरी फ्लाइट चालू हुआ है, अगर मैं अपनी कंट्री जाना चाहता हूँ तो मुझे खर्चा कितना होगा। तो भाई मैं आपको खर्चा क्लियर कर देता हूँ कि आपको खर्चा कितना पड़ेगा। सऊदी अरब में जो इंडियन एम्बेसी है उन्होंने एक मैसेज दिया है कि जो भी वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं इंडिया से आकर के, उनके लिए ये मैसेज है कि जो मेरा कॉन्टैक्ट है और ईमेल आईडी है, जो ट्विटर अकाउंट है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन चीज़ को सेव कर लें। तो मैं एम्बेसी का पूरा डिटेल सामने डिस्प्ले पर डाल दिया हूँ, आप इसे सेव कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है। और इंडियन एम्बेसी ने एक चीज़ और उन्होंने एक जारी किया है, एक लेटर जारी किया है। इस लेटर में पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि कौन कौन से फ्लाइट कहाँ कहाँ के लिए चल रहा है। 8 मई को रियाद टू कोजीकोट के लिए जो फ्लाइट चल रहा है 8 मई को, इसका 900 रियाल का टिकट है। 10 मई को रियाद से दिल्ली के लिए फ्लाइट चल रहा है, 1023 रियाल है इनका। तीसरा 12 मई को दम्माम से कोची के लिए जो फ्लाइट है 850 रियाल इनका फेयर है। 14 मई को जद्दा से कोची के लिए टू बी नॉट कन्फर्म, इनका बिल्कुल कन्फर्म नहीं है फेयर कि क्या होगा, क्योंकि अभी इनका अपडेट नहीं हुआ, ये बाद में अपडेट हो जाएगा। मैं सामने डिस्प्ले पे भी डाल दिया हूँ, आप डिस्प्ले पे देख लीजिए। जो इंडियन एम्बेसी ने लेटर दिया है ये लेटर भी मैं आपको डिस्प्ले पे दे देता हूँ, आप इनको भी पढ़ लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा काम आने वाला है। तो खर्चा इतना पड़ेगा, देखो ये जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि भाई 800 रियाल 1000 रियाल एक मोटा मोटी मान लो कि आप रियाद से न्यू दिल्ली के लिए जाते हो तो आप 1000 रियाल देते हो, 1000 रियाल तो आपसे ये ले लेगा,
1,000 रियाल एक एग्जाम्पल टाइप में 20,000 रुपये इंडिया का मान लो। जब आप वहाँ पे पहुँच जाते हो न्यू दिल्ली में, तो वहाँ पे आपको क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। तो देखो अमाउंट थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। एक रफली आइडिया मैं आपको बताता हूँ, 10,000 रुपये, 30,000 रुपये हो गए, और घर जाने में टोटल मिला के आप 40,000 रुपये तक में आप अपने घर के अंदर पहुँच जाओगे। टोटल ये टोटल खर्चा है, 40,000 रुपये आपका खर्चा होगा, आप अपने घर तक पहुँच जाओगे। आप तो चले जाओगे, जाने के बाद देखो 14 दिन के लिए आपको क्वारंटाइन सेंटर में भी रखा जाएगा। वो आपके घर वालों का आप बताओ कितना टेंशन होगा। आप फिर भी अगर इन टेंशन को ये आपने नहीं देखते हो, फिर भी आप जाना चाहते हो, तो बिल्कुल आप जा सकते हो। मैं तो सलाह दूंगा कि आप फॉर्म मत भरो, आप मत जाओ। जब माहौल ठीक हो जाएगा फिर आप जाओ। अगर आप नहीं मानते हो फिर भी जाना चाहते हो तो बिल्कुल आप जा सकते हो। मैं आपको ये पूरी जो डिटेल था मैं आपको डिटेल शो कर दिया हूँ, आप इस डिटेल को देखिए। और डिटेल को देख करके उम्मीद करता हूँ कि ये डिटेल आपको अच्छा लगा होगा। अगर मुझसे कोई सवाल और जवाब चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे मुझे ज़रूर कमेंट करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।